नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। बाकी सारी टारगेट सीरीज का आज रिविजन डे है, आप सभी ने देख ही लिया होगा। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ कभी भी रिविजन डे अगर रखता हूँ मैं तो। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिविजन डे रिलेटेड अपडेट और बाकी सारे अपडेट्स टेलीग्राम पर देता हूँ मैं। आज ये जो वीडियो है ये बूस्टर सीरीज़ का है। बूस्टर सीरीज़ तो 25 दिन सालन चलेगी, उसमें कोई गैप नहीं होने वाला है। तो आज फिफ्थ डे है बूस्टर सीरीज़ का और आशा करता हूँ कि 5 दिनों तक आप सभी लोगों ने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए होंगे। तो आज के टारगेट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उठते से हम करते हैं कैलकुलेशन, जिसमें आप 15 एडिशन करते हो, 15 मल्टीप्लीकेशन करते हो, स्क्वायर 1 से 60 तक लिखते हो, क्यूब 1 से 30 तक लिखते हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखते हो और पाइथागोरस रिपीट लिखते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मानस गुप्ता 616 मेरी इंस्टा आईडी है, जिस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें इसके बाद में, तो वोकैब की 5 क्विज़ आप डेली देते हो, एक एंटो की, एक सिनो की, एक ईडीएम की, एक वन वर्ड की और एक स्पेलिंग की। ये 5 क्विज़ आपको बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिन पर ईजिली मिल जाएंगी। वही सारी एप्लीकेशन जिस पर आप टेस्ट देते हो उन पे जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको क्विजेज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें तो रिवीजन ज़रूरी है। आपने जितनी भी कॉपीज़ अभी तक बनाई है उनकी सारी रिवीजन टाइम लगेगा उसमें 2-2.5 घंटे, लेकिन वो इसीलिए बनाई थी आपने रिवीजन के लिए, उनका रिवीजन करना है। प्लस साथ में अभी ये 4 मॉक टेस्ट जो हमने दिए हैं इसके अंदर से भी कुछ पार्ट निकला होगा जो आपने लिखा होगा, कोई क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने होंगे, इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे आपको, जीके में कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे, मैथ्स में 1-2 नए कॉन्सेप्ट मिले होंगे, उनका भी रिवीजन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आज से 2 मॉक टेस्ट आपको किसी भी हालत में देना है और दोनों मॉक टेस्ट का स्कोर इस वीडियो के नीचे शेयर करना है। पहला मॉक टेस्ट जो आप दोगे वो दोगे 5 दिसंबर की 4थी शिफ्ट का और दूसरा मॉक टेस्ट दोगे आप 9 दिसंबर की 2nd शिफ्ट का। ठीक है, किसी भी हालत में 2 मॉक टेस्ट आपको देना है ना। कैसे देते हैं मॉक टेस्ट उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। इन 2 मॉक टेस्ट को अलग अलग टाइम पे देना, अगर जैसे एक सुबह दे रहे हो तो एक शायद उसके 4-5 घंटे बाद देना, मतलब 5 घंटे का गैप रखना फिर ही देना, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट एक साथ देना थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर इंग्लिश जीके की बात करें तो इंग्लिश जीके के आपके क्विजेज डेली देना ही है, 10 से 12 क्विजेज आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि क्विजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विजेज आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आप सर्च करोगे ना टॉपिक वाइज तो आपको इजीली मिल जाएगी। स्टैटिक की डेली 2-2, 3-3 क्विजेज देते हुए चलो। ठीक है, तो ये था आज का टारगेट फिफ्थ डे बूस्टर सीरीज का। आशा करता हूँ सभी लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा। 75 डेज की जो सीजीएल की सीरीज चलाई थी वो कल ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुश्किल से 7 बच्चों ने उसमें कमेंट किया है, तो थोड़ा सा मतलब इतनी इज्जत तो रखो मेरी यार कि अगर थोड़ा आप लोगों को मैंने सपोर्ट किया है तो कम से कम उस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बता दो कि भैया कितने लोग आपके साथ जुड़े थे और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। वो वीडियो ख़त्म हो गई है, वो वीडियो नहीं आएगी अब। उसके एलजेब्रा नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बताऊंगा आज से, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, उस पर जाके कमेंट कर दो भाई जितने लोगों ने वो सीरीज़ फॉलो की है, कम से कम 40 दिन 45 दिन 75 दिन 50 दिन कुछ तो फ़ायदा वही होगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल छूट रहे हैं। थैंक यू। बाकी सारी सीरीज़ का रिविजन डे है आज, है ना। अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, रिविजन डे है बाकी का, कल से वापस स्टार्ट होगी सारी सीरीज़। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।